हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर साइकिल पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे। वो सोमवार सुबह चंडीगढ़ से जन शताब्दी एक्सप्रेस में सवार होकर मतदान के लिए निकले थे। करनाल पहुंचकर वो पहले अपने घर गए और वहां से साइकिल पर सवार होकर मतदान केंद्र पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कहा कि हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। सीएम ने जनता से वोट करने की अपील की। चंडीगढ़ से निकलते वक्त सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लोगों से मतदान के लिए बाहर निकलने की अपील की थी। उन्होंने ट्वीट भी किया और लिखा कि पहले मतदान तब जलपान, मैं अपना वोट डालने जा रहा हूं। प्रदेश के सभी नागरिकों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप भी अपने मतदान केंद्र पर जाकर मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। मजबूत सरकार बनाने के लिए आपका एक एक वोट निर्णायक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है, इसीलिए विपक्षी दलों के बूथों पर लोगों की संख्या कम दिखाई दे रही है। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए संघ से विधायक बख्शीश सिंह के बारे में वायरल वीडियो पर जांच करने की बात करते हुए कार्रवाई करने की भी बात की। सिंह साहब आज मित्रों सुनिए, मैं एक दो मिनट की स्टेटमेंट देता हूँ, उसके चलते उत्तर जाएंगे। आप कोई अलग अलग प्रश्न करेंगे तो मैं संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। आज देखिए हरियाणा में विधानसभा के चुनाव का यह दिन है। लगातार प्रचार अभियान के बाद आज 21 अक्टूबर को हरियाणा भर में सब जगह मतदान हो रहा है। मैं भी आज मतदान करने के लिए चंडीगढ़ से यहाँ आया हूँ। पहले प्रातःकाल पंचकुला से और करनाल तक लगभग 2 घंटे जन शताब्दी की यात्रा करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उसके बाद रेलवे स्टेशन से मेरा जो कार्यालय है वहाँ तक मैं अपना साइकिल नहीं ई रिक्शा से मैं आया हूँ। मेरे सिक्योरिटी के सब लोग भी ई रिक्शा में ही थे और अपने कार्यालय से पोलिंग बूथ नंबर 174 तक मैं साइकिल से ही आया हूँ। बहुत से बंधुओं का प्रश्न ये था कि ये क्यों किया है। कोई भी महत्वपूर्ण अवसर होता है उस पर कोई ना कोई संदेश अवश्य देना चाहिए, इसलिए आज इस माध्यम से चाहे वो ई रिक्शा है चाहे साइकिल है, मैं हरियाणा की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोगों को पर्यावरण की तरफ भी ध्यान करना चाहिए, पर्यावरण के लिए सजग रहना चाहिए, पर्यावरण बचाना चाहिए। भले ही एक सांकेतिक विषय होता है लेकिन इसका एक मैसेज इसलिए देना चाहता हूँ कि जहाँ तक संभव हो हम प्रदूषण को रोकें, पर्यावरण की चिंता करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ ले सकें। अभी तक चुनाव आयोग की ही जो रिपोर्ट है वही रिपोर्ट्स आपके पास हैं, वही मेरे पास हैं। हर जगह जो वोटिंग हो रही है अच्छी वोटिंग शुरू हो गई है और अपलोड लगातार की जा रही है। मैंने कुछ विधानसभाओं पर यहाँ तक भी जानकारी ली है तो 9 बजे तक 15% की वोटिंग भी हो गई थी। एवरेज लगभग 8, 8.5, 9% के आसपास अभी चल रही है लेकिन हर आधे घंटे बाद ये अपडेट हो रही है। चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं वही सही आंकड़े हैं, इसके अलावा बाकी आंकड़े कौन से मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं आप, कौन से मुद्दे हैं जो आपको वापस लेके आएंगे? कई प्रश्न एक साथ आ गए। पहली बात तो कि जैसे करनाल में हम देख रहे हैं कि बहुत बूथों पर केवल भारतीय जनता पार्टी के ही बस्ते हैं, बाकी किसी पार्टी के किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बस्ते भी नहीं हैं। इसमें से एक बात तो स्पष्ट है कि करनाल में, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ करनाल के अलावा पूरे हरियाणा में, कांग्रेस अन्य सब पार्टियाँ हारी हुई बाजी को खेल रहे हैं और वो मैदान छोड़ चुके हैं। और मैं आश्वस्त हूँ कि हमारा जो टारगेट है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। 3/4 मेजोरिटी भी हम ले सकते हैं और सायंकाल तक जिस प्रकार से इंडिकेशन आएंगे वो आप सबको भी मिलेंगे और निश्चित रूप से मतदान भी जाएंगे। मैंने कहता है कि अपना टारगेट हम पूरा करेंगे और मतदान भी मैं मानता हूँ कि पिछली बार लोकसभा के चुनाव में हरियाणा का 76% रहा था मतदान, उसके आसपास या उससे ऊपर पहुँच सकता है क्योंकि एक जागरूकता है, उत्साह है और इस जागरूकता उत्साह के नाते से लोग मतदान कर रहे हैं। फिर भी मैं अपील करूंगा हरियाणा की जनता से कि मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ तक अवश्य जाएं। अपना जो दायित्व है, अपनी ड्यूटी है, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी का है, ये हमारी संवैधानिक ड्यूटी का है, सोशल पॉलिटिकल मॉरल हर प्रकार की हमारी ड्यूटी है। वोट किसको करना है ये हमारा अधिकार है, अपने अधिकार का भी उपयोग करें, ड्यूटी और अधिकार दोनों को करके अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। जहाँ तक मुद्दों की बात है, मुद्दे हमारे बिल्कुल हमने स्पष्ट कर दिए थे, चाहे हमारी जन आशीर्वाद यात्रा थी चाहे चुनाव प्रचार अभियान है, उस सब में उसमें प्रदेश के भी
महत्वपूर्ण विषय सारे आए हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी आए हैं। और ये कांग्रेस हमेशा बार बार ये कहती है कि इनको केवल प्रदेश के मुद्दों पर बोलना चाहिए, राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर उनका क्लियर कट कोई नीति, स्पष्ट नीति नहीं है जिसमें से घबराते हैं। चाहे वो 370 होगी, चाहे वो 35B के हटाने की बात है, चाहे किसी प्रकार के जो विषय 370 की बात और इससे पहले पुलवामा, बालाकोट, ये सब विषयों पर उन्होंने इस प्रकार से उलझाया है चीज़ों को, जिसके कारण से वो अपने आप कटघरे में खड़े हो गए हैं। हमारा मत यह है कि चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हों चाहे प्रदेश के मुद्दे हों, हम तो यहाँ तक प्रदेश सरकार के नाते हमारा जो दायित्व तो है, स्थानीय निकाय के मुद्दे, पंचायती राज के मुद्दे, इन मुद्दों पर भी हम चर्चा करते हैं ताकि उनको भी हम अधिकतर एक सुविधा के नाते लोगों को सुविधा। विपक्ष के लोग कुछ भी दावा करें, ये आपको भी पता हमको भी पता, इस प्रकार लोगों को भ्रमित करने के लिए इस समय बोलेंगे और उनके बोलने का कोई प्रभाव जनता पर पड़ने वाला नहीं। उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया है कि ये एक वीडियो को, जिसको कहना चाहिए फेक वीडियो है, और इसको जोड़ तोड़ करके उनकी कुछ बातों को उठा करके इधर उसे लगाया गया है, उसका स्पष्टीकरण भी दे दिया है। और उसके लिए उस वीडियो को एक प्रकार से चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए उसकी जो इंक्वायरी करानी है वो इंक्वायरी भी कराएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। अदर पॉइंट देखिए सर, दिखाना जरा सर, तीसरा निशान यानी टू थर्ड मेजोरिटी तो ही है। पहला तो मैं वोट डाल के आया हूँ, दूसरा वोट के साथ जीत की विक्ट्री, दूसरा दोनों बातें एक साथ, वोट भी डालना विक्ट्री भी लेना। धन्यवाद। समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से मैं सभी प्रदेशवासियों को, सभी करनाल जिलावासियों को, भारतीय जनता पार्टी जिला करनाल की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिवाली की प्रेषित करता हूं। यह दीपावली पूरे समाज को एक उजियारा दिखाए, शुभ दिवाली घरों में नूतन बनकर के आए, धन धनाढ्य से परिपूर्ण हो, आम जन सुखी हो, 36 बिरादरी का भाईचारा कायम रहे, ऐसी शुभकामना मैं इस दिवाली के पर्व पर आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को करता हूं। जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद की ओर से सभी प्रदेशवासी तथा जिले वासियों को धनतेरस, शुभ दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेशवासियों तथा जिले वासियों को एक बार फिर से जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेर शुभकामनाएं। JBD Banquets lie hai, Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।